उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट पर राजनीति का पारा अब बढ़ने वाला है, क्योंकि जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार को बरेली जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आते ही धनंजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा कायम किया गया था जिसमें मुझे सजा हुई और माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे बेल दी है। अब मैं क्षेत्र में जाऊंगा, मेरी पत्नी बसपा से चुनाव लड़ रही है। मीडिया से बात करने के बाद पूर्व सांसद अपने समर्थकों के साथ दर्जनों गाड़ियों का काफिला लेकर रवाना हो गए, लेकिन शाम होते होते खबर आई कि धनंजय सिंह जौनपुर की जगह सीधे उत्तराखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कैंची धाम पहुँचे हैं, जहाँ उन्होंने नीम करोली बाबा से पत्नी की जीत का आशीर्वाद मांगा है। वहीं दूसरी तरफ जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कला ने आज नामांकन भी दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे एक बार और नामांकन धनंजय सिंह के साथ करेंगी। धनंजय सिंह के जेल से बाहर आते जौनपुर का चुनाव अब कांटे का हो गया है। जौनपुर से इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। धनंजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद बसपा को जौनपुर में बड़ा फायदा होना तय है, क्योंकि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में से 2 में बसपा ने जौनपुर सीट पर जीत दर्ज की है। 2019 में बसपा उम्मीदवार श्याम सिंह यादव ने 80,936 वोटों से जीत दर्ज की थी, जबकि 2014 में बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण प्रताप ने 1,46,310 वोटों से जीत दर्ज की थी। इसके अलावा 2009 के लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह ने खुद 80,351 वोटों से जौनपुर में जीत दर्ज की थी। फिलहाल अगर आप जौनपुर से ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि उत्तर प्रदेश की इस सीट से अगला सांसद कौन होगा।